सिस्टम है, इट्स मोर लाइक ए मॉडर्न गुरुकुल समझो। और ये जो शुरू करे हैं वो 1964 से है, अरविंद आश्रम, प्रयोगविंद आश्रम में। और इसका खास बात है कि जो स्पेशल माहौल एक आश्रम में बना हुआ ना, ये चीज़ तो हमारे लिए एक सुविधा बन गया है कि एक जो पेरेंट्स है वो भी डिवोटीज हैं, डिवोटीज जो है साधक हैं, जो यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ लीड करते हैं, तो उन्हीं का बच्चे जब आए हैं स्कूल में तो वो मेक्स इट वेरी इजी कि जो एक आइडियल देना बच्चा को भी, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यू कैन गिव एन आइडियल टू द चाइल्ड। और हमारे पास चिल्ड्रन लेते हैं पूरा किंडरगार्टन के लेवल से, मिड में लेते नहीं लेते, मिडिल में। तो क्या होता है, 12 साल तक एक बच्चा उसी माहौल में जब बढ़ता है, बड़ा होता है, ग्रो होता है, देन ही इम्बाइब दिस न्यू वैल्यूज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, तो नंबर वन। दूसरी बात, जिस वजह से हमारे पास एक साल में 15 या 17 लोग बच्चों को लेते हैं केजी लेवल में, तो द नंबर इनटेक मेंबर इटसेल्फ इज वेरी मिनिमम। तो इनटेक नंबर मिनिमम लेते हैं क्योंकि सबको अटेंशन दे सके, एंड स्पेशली हमारा जो स्पोर्ट्स का जो फिजिकल एजुकेशन का जो व्यवस्था है वहाँ पे इट इज ऑलमोस्ट इंटरनेशनल लेवल का है। तो बट स्पोर्ट्स बोलते एक एक को बहुत ही पूरा अटेंशन देना पड़ता है, तो एक 50 लोग 60 लोग एक साथ आने से नहीं होता, तो वो फैसिलिटीज को भी देखते हुए भी नंबर कम रखते हैं एज इट इज फ्रॉम द बिगिनिंग। तो ये चीज़ की वजह से तो हमारे पास जो सिस्टम शुरू हुआ उसको कहते हैं फ्री प्रोग्रेस सिस्टम। फ्री प्रोग्रेस सिस्टम कहते हैं जहाँ पे हर एक बच्चा को अटेंशन मिलती है। द रेशियो इज नॉट रियली 1:1 स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, 1:3, 1:4 मैक्सिमम एक टीचर के साथ। एंड जाते जाते ऑन द कॉलेज लेवल 1:6 हो जाता है, बचपन में 1:2, बाद में 1:4, 1:6 हो जाता है। तो दैट इज द प्रॉक्सिमिटी। एंड सबसे बड़ी बात है जो मैं कल बोलने वाला हूँ, इसे कंप्लीट डेमोक्रेसी इन एजुकेशन हो। हमारे पास जो कॉन्सेप्ट जो है स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही डेमोक्रेसी है, फ्रीडम, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, फ्रीडम टू रियली एक्सपीरियंस, ये दोनों चीज जरूरत है। तो ये बेसिक रखते हुए वी से द चाइल्ड मस्ट ग्रो एग्जैक्टली एज शी और ही वांट्स। उनको क्या करना है जीवन में आगे जाना, ना पेरेंट्स इम्पोज करेंगे ना टीचर्स बोलने का है, तो हम पूरा फैसिलिटेट करते हैं बच्चे को तुम्हें क्या चाहिए। तो हम कहते हैं कि टीचर इज नॉट ए टीचर बट ओनली फैसिलिटेटर, एक मेंटर है उतना ही, हम कुछ भी इम्पोज नहीं करते। तो जिसका वजह से बच्चा जाके काफ़ी फ्रीडम ग्रोथ होता है उनका, एंड इस लिहाज से कन्वेंशनल ज़्यादा नहीं होते हमारे पास बच्चे, जो हम कन्वेंशनल डॉक्टर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कंप्यूटर आर्टिस्ट बनना, ऐसा नहीं है। बिकॉज एवरीबडी समबडी वांट्स टू गो इनटू एनवायरनमेंट, कोई पायलट बन गया, कोई ये बन गया, कोर्सेस आर द सेम, बट जिनका बच्चों के इंटरेस्ट है जिसका वजह से हो रहा है। कमिंग टू द थर्ड पार्ट, आप जैसा कह रहे हो, ये जो प्रिंसिपल है दिस इज नॉट ए सिस्टम ऐसा कि कोई अप्लाई करना है, इट्स मोर एटीट्यूडिनल चेंज टूवर्ड्स टीचिंग, टीचर का एटीट्यूड बच्चों पर क्या होना चाहिए। फिर बच्चा इज रियली ए लिविंग सोल है, इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ रॉक कि तुमको जैसा चाहिए वैसा करें।